नमस्कार, एससी न्यूज की खास बुलेटिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पेटीएम की याचिका पर ग्राहकों से धोखाधड़ी नहीं रोकने पर केंद्र, ट्राई और दूरसंचार कंपनियों को भेजा नोटिस। अब लाइसेंसधारी वेंडर्स ही रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में कर पाएंगे बिक्री। क्यूआर कोड से की जाएगी लाइसेंसधारियों की पहचान, मोबाइल पर स्कैन करते ही मिल जाएगी पूरी जानकारी। कोरोना महामारी के खतरे के बावजूद बांग्लादेश ने हटाया लॉकडाउन, लाखों लोगों के काम पर लौटने से सड़कों पर उमड़ी भारी भीड़। घनी आबादी वाले बांग्लादेश के इस कदम से कोरोना संक्रमण के तेजी से फैलने की बड़ी आशंका। लॉकडाउन में फंसे जवानों को बड़ी राहत, अनुपस्थिति के कारण अब नहीं काटी जाएगी आगे की छुट्टियां। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री के कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां, साथ ही नियमों के अनदेखी भी देखने को मिली। स्वास्थ्य मंत्री द्वारा नियमों का खंडन होने के बाद देश के आम नागरिक से सोशल डिस्टेंसिंग की आशा रखना एक धोती और झूठी आशा मात्र है। सुप्रीम कोर्ट में बॉम्बे हाईकोर्ट का नाम बदलकर महाराष्ट्र हाईकोर्ट करने की जनहित याचिका हुई दाखिल। याचिका के मुताबिक अभिव्यक्ति के सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत के अधिकार को बरकरार रखना है जरूरी। मुंबई के लेबर कोर्ट के रिटायर जज ने दाखिल की है जनहित याचिका। 65 साल के ऊपर के कलाकारों की शूटिंग पर रोक लगाने के लिए फिल्म एसोसिएशन ने सीएम को लिखा पत्र। अब कौन मनेगा करोड़पति शो को भी बदलना पड़ सकता है अपना होस्ट। कोरोना महामारी के चलते पोलियो टीकाकरण में पनप रहा है डर। स्वास्थ्य कर्मियों के अभाव से देश भर में रुका हुआ है पोलियो अभियान। LAC पर घटा तनाव, गलवान घाटी में 2 किलोमीटर पीछे हटी चीनी सेना, वहीं भारतीय सेना ने भी 1 किलोमीटर पीछे हटाए अपने कदम। मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर साजिद वाजिद की जोड़ी के वाजिद खान के देहांत के बाद उनकी माँ भी पाई गई कोरोना पॉजिटिव। इलाज के लिए मुंबई के सुराना हॉस्पिटल में किया गया भर्ती। कोरोना वायरस से पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर रियाज शेख का 51 साल की उम्र में निधन। पंजाब की एक शादी में दुल्हा दुल्हन द्वारा मास्क न लगाने पर चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने लगाया 10,000 रुपए का जुर्माना। गुजरात के भरूच के ग्रामीण इलाके में स्थित एक केमिकल फैक्ट्री में विस्फोट से लगी आग, हादसे में 40 कर्मचारियों की आग से झुलसने की है खबर। अब विदेश में फंसे भारतीय स्वखर्च से लौट सकेंगे स्वदेश। गृह मंत्रालय ने विदेशी नागरिकों की कुछ श्रेणियों को भारत आने की दी अनुमति। परवाट का पेट भरने के लिए सब्जी बेचती नजर आई राष्ट्रीय स्तर के तीरंदाज खिलाड़ी सोनू खातून। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो को देखकर झारखंड सरकार ने लड़की और उसके परिवार की मदद करने का लिया फैसला। राजस्थान की राजधानी जयपुर के जिला कलेक्टर द्वारा मिले निर्देशों से हुआ खुलासा। जयपुर में भीख मांगने वालों का किया जाएगा सर्वे, गरीब लोगों को रोजगार देने की खबर भी आई सामने। गुजरात में प्याज के बंपर उत्पादन से किसान परेशान, 20 रुपए प्रति किलो में भी नहीं है कोई लेने को तैयार। पटना में शिक्षा विभाग ने जारी किया अपना लक्ष्य, अब 3 महीने के भीतर बिहार में होगी 90,000 से भी अधिक शिक्षकों की भर्ती। इंदौर में कोविड-19 का कहर तेजी से बढ़ रहा है, संक्रमितों की संख्या। इंदौर में कोरोना वायरस के मामले 3500 के पार, शहर में कुल अब तक 141 लोगों की कोरोना से हो चुकी है मौत। जर्मन सरकार का बड़ा फैसला, हिटलर के जन्म स्थान को पुलिस स्टेशन में तब्दील करेगी जर्मन सरकार। न्यूजीलैंड, ब्रुनोई और टोबैको में अब बचे हैं महज एक एक कोरोना एक्टिव केस, वहीं आइसलैंड और कंबोडिया में इनकी संख्या 2-2 है। कुल 11 देशों में अब एक्टिव केस की संख्या लगभग 0। फ्रांस के पेरिस में भी अश्वेत युवक को इंसाफ दिलाने के लिए हुआ उग्र दर्शन। कोरोना कहर के बीच उमड़े 20,000 से भी ज्यादा लोग सड़क पर किया प्रदर्शन। चीन की ओर से अमेरिकी विमानों को दोनों देशों के बीच हवाई सेवा शुरू करने की इजाजत न देने पर ट्रंप सरकार ने लिया बड़ा फैसला। 16 जून से चीनी एयरलाइंस के विमानों की US में लैंडिंग बैन। कल 5 जून कबीर परमेश्वर के प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में संत रामपाल जी महाराज के प्रवचनों का प्रसारण सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक साधना TV पर किया जाएगा। और आज का ऐसे न्यूज का सवाल, कबीर साहब जी की विचारधारा क्या है, आप क्या समझते हैं? कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दें। धन्यवाद।